Hey guys, so this is my new YouTube video. Yes, this is Port Blair and this property is Welcome Hotels by ITC and this is the lovely view. सोचा तो नहीं था कि मतलब स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे आऊँगी फॉर माई वैकेशन, बट येस नाउ आई एम हेयर एंड मेरी आइटिनरी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं एंड आई विल शो यू ईच एंड एवरी थिंग, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो फर्स्ट नाइट मैंने कुछ नहीं किया एंड दिस वॉज द सेकेंड डे। मैं ब्रेकफास्ट करने बाहर गई थी एंड सारा स्टाफ आ गया मेरे पास एंड उन्होंने मेरे साथ सेल्फीज ली एंड आई लव्ड इट। एंड देन मैं रेडी होकर निकल गई टू सेल्युलर जेल एंड ये मेरे फ्रेंड्स हैं एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई अटैच एवरी थिंग अबाउट सेल्युलर जेल। सो दिस इज द सेल्युलर जेल। आई रिसर्च अबाउट इट और मैंने देखा कि यहाँ पे प्रिजनर्स को आइसोलेट करने के लिए लाया जाता था ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड दिस इज गैलोस। आई एम गोइंग इन। आई हैव नो क्लू अबाउट इट। ओह माय गॉड, नो 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 नो, मैं कहाँ आ गई। आई एम स्केयर्ड ऑफ भूत्स और यहाँ पे हुए तो नो, यहाँ पे मार दिया जाता था लोगों को। यार जाऊं या ना जाऊं, प्लान कैंसिल, मैं नहीं जा रही। दीज आर द जेल चैम्बर्स, देख लो भाई सब। अगर आप लोगों को एक पीसफुल टाइम इंजॉय करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, बाकी अगर आपको पार्टी शार्टी करनी है तो रहने देना। एंड सेल्युलर जेल में ऐसे सारी रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से पनिशमेंट दी जाती थी एंड क्या क्या फॉलो करना पड़ता था प्रिजनर्स को, जो कि हमारे एक्चुअल में फ्रीडम फाइटर्स थे जो लड़ाइयाँ करते थे फॉर इंडिया एंड उनके साथ यहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट होता था। एंड इट वाज रियली डिसहार्टनिंग फॉर मी टू नो ऑल दिस फ्रॉम माय गाइड। एंड अभी पीछे वाले वीडियो में मेरे गाइड ही वॉक कर रहे थे। एंड ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है सेल्युलर जेल का, ये इस पैटर्न में बना हुआ है। दिस इज द जेल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड पहले तो आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या करूँगी यहाँ पे आके, बट व्हेन माय गाइड एक्सप्लेन मी एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस एंड द पेन दैट पीपल हैव फेल्ट हियर आर फ्रीडम फाइटर्स, आई रियलाइज दैट यस इट हैज हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस एंड यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस एंड गेट अ guide who can explain everything. Then इसके बाद हमें जाना था towards sunset at Chiriya Tapu and ये route है, मैंने इसे पूरा record किया है and by the way this is our cab वाले भैया, इन्होंने हमें पूरे time pick and drop किया है and यहाँ पे सब लोग इतने punctual होते हैं, morning में 6 बजे ही आपको pick कर लेते हैं and यहाँ पे रात भी बहुत जल्दी हो जाती है 5 बजे and आप देख सकते हो कितना pretty jungle वाला रास्ता है, बहुत अच्छा लग रहा था ये। एक्चुअली में रियलिटी में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड यहाँ पे आप अराउंड 1 आवर्स की ड्राइव लेकर जाते हो मेन सेल्युलर जेल के बाद एंड फिर आप सनसेट एंजॉय करते हो। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े वीडियो बनाने की कोशिश की थी जो कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स थे। एंड Chiriya Tapu जाने से पहले हम बीच पे गए थे थोड़ी देर के लिए एंड मैंने यहाँ पे बहुत सारी रील्स बनाई थी जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की हैं, अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके देखो। प्लस मैं आपको व्यू दिखाती हूँ एंड वाटर इज़ सो क्लियर ओवर हेयर, इतना क्लियर वाटर मैंने कहीं किसी और कंट्री सिटी कहीं नहीं देखा है। इसके बाद मैंने गो कार्टिंग का बोट देखा जो कि सिर्फ थाईलैंड, दुबई एंड इंडिया में यहीं पे अंडमान में अवेलेबल है एंड मैंने गो कार्टिंग की, इट वाज अमेजिंग। मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर गो कार्टिंग की थी एंड आई रियली इन्जॉयड इट। आई मीन यू शुड ऑल्सो ट्राई इट। ये अराउंड 3.7K पर पर्सन था बट इट्स अ मस्ट डू व्हेन यू आर गोइंग टू अंडमान। एंड मैं बहुत थक गई थी क्योंकि मेरी बोट ख़राब हो गई थी पहले एंड मुझे काफ़ी देर तक एक्स्ट्रा पानी में रहना पड़ा और मेरे बहुत सारे एक्स्ट्रा वीडियोस भी बने। सो दिस वाज माय डे फर्स्ट, हम ये व्यू देखकर अपने होटल चले गए एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमें हैवलॉक जाना था। हैव केम टू हैवलॉक नाउ, वी टुक अ फेरी। सब लोग क्रूज बोल रहे थे बट जब मैं आई तो मुझे पता चला इट इज़ अ फेरी एंड दिस इज़ द रिजॉर्ट। अभी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। दिस हैज़ अ प्राइवेट
बीच एज वेल और मैं रील्स वगैरह शूट करने जा रही हूँ एंड इट्स रेनिंग एज यू कैन सी बट या यू गॉट डू व्हाट यू गॉट डू इट्स ब्रेथ टेकिंग जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ प्रॉपर प्राइवेट बीच विद अ स्विंग एंड एवरीथिंग तो चलिए आई हैव टू बी अ लिटिल क्विक See, doggo is relaxing and he's running now. And अभी मैं आगे जाके आपको ये वाला व्यू दिखाती हूँ. So ये रहा व्यू और मैं यहाँ पे रील्स बनाने वाली हूँ तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर जाके देखें और मुझे फॉलो करें. Then guys, first day as such हमने कुछ नहीं किया. हम लोग बस एक्टिविटी सर्च कर रहे थे फॉर नेक्स्ट डे एंड नाइट टाइम में हम यहीं पे बीच साइड बैठ कर डिनर कर रहे थे एंड हमने म्यूजिक सुना और थोड़ा इंजॉय करा क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी स्कूबा अराइविंग थी मॉर्निंग में. मॉर्निंग सो आई एम हियर एट द डाइविंग मास्टर हैवलॉक एंड आई एम गोना गो फॉर स्कूबा. अभी जस्ट वेटिंग फॉर माय टर्न. आई एम एक्साइटेड एंड इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग. आई वोक अप एट 5:30. यहाँ पे अंडमान हैज़ रियली चेंज मी. मैं यहाँ पे जल्दी सो जाती हूँ. सो ये रहे सारे इक्विपमेंट्स. आई जस्ट गॉटन माय आउटफिट एंड देख लो सब कुछ है यहाँ पे. तो आई जस्ट चेंज माय आउटफिट. आई एम ऑल गुड टू गो. सो गाइज मेरे फर्स्ट टेक में आई वॉज सुपर नर्वस. मुझे पैनिक इशूज़ हो रहे थे, एंगजाइटी प्रॉब्लम हो रही थी और मैं ढंग से कर भी नहीं पाई थी. बट देन द डाइव मास्टर्स हैवलॉक रियली सपोर्टेड मी एंड मैंने उसके बाद ट्राई किया एंड देन इन सेकेंड टेक इट वॉज मच 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 बेटर. एंड देन मेरे साथ प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स गए थे विद प्रॉपर कैमरा इक्विपमेंट्स टू शूट माई कॉन्टेंट एंड दे हैव ऑल्सो आस्क्ड मी टू डू ओपन डाइव वाटर स्कूबा कोर्स एंड वो मैं बहुत ही जल्द करूँगी. नाउ आई हैव लर्न स्विमिंग एज वेल एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल टू बी इंट्रोड्यूस्ड विद स्कूबा डाइविंग इन अंडमान विद द डाइव मास्टर्स हैवलॉक. एंड अगर आप ही स्कूबा डाइव करना चाहते हो तो यू शुड रियली रियली गो टू देम ओनली. एंड अंडर वाटर मुझे शिव पार्वती जी भी मिले. ये इनकी मूर्ति ऐसे ही रखी हुई थी एज इट इज़. अंडर वाटर इज़ इन कम्प्लीट डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. हम लोग सोचते हैं हमने सब कुछ देख लिया है बट इफ़ यू डू स्कूबा डाइव फॉर वंस यू विल रियलाइज अ लॉट अबाउट योर लाइफ दैट यू आर ऑल लिविंग इन अ बॉक्स एंड आपने अपने थाट्स को इतना छोटा कर लिया कि आपको उसके बियॉन्ड कुछ दिखता ही नहीं है. 70% ऑफ द वर्ल्ड इज़ वाटर एंड वी स्टिल थिंक कि वी नो इट ऑल. It was super incredible to be there and watch Shiv Parvati ji inside water. And ye baki bahut sari fishes, bahut sari species dekhi maine. And it was so calming and relaxing. Aap bas apna focus breathe pe rakho and just look at the fishes and distract yourself. And ye maine apne instructor se seekha hai. He was guiding me a lot and he was the best person. And ye one of the signs hai to show that you are all okay, it's all good. And maine abhi just wahi kiya. And I also found this big jeep underwater. मैंने ये shore diving की थी, first time boat diving की थी तो वो बिल्कुल center में ले जाके होता है. But this time I went through the shore and तब मैंने ये देखा. So both of the dives are just perfect. It just depends on you आपको कौन सी वाली करनी है. And guys, I want to tell you all कि आप अगर किसी भी island पे जा रहे हो like Andaman to be very specific, आपको 2-3 दिन लगेंगे adjust करने में वहाँ के time के according because वहाँ पे दिन बहुत जल्दी हो जाता है and रात भी बहुत जल्दी हो जाती है because वो इंडिया से कितना ज़्यादा डिस्टेंस पे, इट्स वेरी क्लोज टू थाईलैंड. सो टाइम जोन थोड़ा डिफरेंट है वहाँ का तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है. और मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी इनिशियली 2-3 डेज़ में एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ बिकॉज़ आई कांट सर्वाइव हेयर विद दिस टाइम एंड लाइफस्टाइल. वहाँ पे रात के 5 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं एंड देर इज़ नो नाइट लाइफ, नथिंग. यू जस्ट गो देयर टू रिलैक्स, इन्जॉय एंड काम योर सेल्फ एंड हील योर सोल. सो इट्स रियली गुड. ये मुझे लास्ट डे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत
बहुत इम्पोल्सिव डिसीजन ले लिया एंड मुझे नहीं जाना चाहिए था और रुकना चाहिए था, बट इट्स ऑल गुड. आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू ऑल कि आप जाओ तो रुक कर अच्छे से आना. So guys, I did scuba diving 3 times today and it was all because of the dive masters here in Havelock. और अगर आपको भी scuba diving करनी है तो आप यहाँ के अलावा कहीं और का मत सोचना. They are the best people. I was panicking a lot and मैं ऊपर ही आ गई थी first time में तो, but these people were so good, so friendly and so perfect. They guided me throughout. और जब मैंने दूसरी बार की, I have seen a lot. I'll attach the video and you will love it. So do contact the dive masters. And then right after this, I had to book a ferry from Havelock to Port Blair because next day की मेरी flight book हो चुकी थी and रात में कोई ferry work नहीं करती है यहाँ पे, तो आपको शाम को ही वहाँ से निकलना था. एंड देन मैं Havelock पहुँची और मैंने डायरेक्ट होटल में चेक इन करके शॉपिंग की थोड़ी सी, बिकॉज मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जाना चाहती थी. एंड आई गॉट दिस कस्टमाइज्ड चोकर फॉर माई सेल्फ. इट्स पर्ल एंड इट हैज़ रोज क्वार्ट्स इन इट और ये मैंने खुद वहाँ पे खड़े होके बनवाया. एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स, शेल्स एंड एवरीथिंग. एंड आप एयरपोर्ट पे कुछ भी खुद से ओशन से उठाकर नहीं लेकर जा सकते बिकॉज ये वहाँ के एसेट्स हैं, सो इट्स नॉट अलाउड. यू ऑलवेज हैव टू परचेज इट. एंड ये शॉप है, आप देख सकते हो, आप भी यहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो. एंड लुक एट दिस प्रिटी मिरर. सो ये बाकी की कलेक्शन भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, सो यू गेट एन आइडिया कि आप वहाँ से क्या क्या ले सकते हो. एंड प्राइस नॉर्मल था, इट वॉज नॉट चीप, बट या. एंड गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग, अनडाउटेडली यू विल नेवर फाइंड दिस वाटर एनीवेयर एल्स. दिस कलर ऑफ द ओशन एंड एवरी स्पीशीज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द वाटर. एंड ये राधानगर बीच का क्लिप है. यहाँ पे शोर पे ही, एक्चुअली में शोर पे ही फिशेस अवेलेबल थी, क्रैब्स अवेलेबल थे और सब कुछ तो बिल्कुल यहीं पे था. एंड देन ये मेरी लास्ट नाइट थी और मैंने थोड़ा रात में बीच घूमा. एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे फ़्लाइट कैच करनी थी, तो ये यहीं पे मेरी ट्रिप ख़त्म होती है. और फिर मैं दिल्ली वापस आई और मैं आते ही सबसे पहले कैफ़े गई बिकॉज़ आई वाज क्रेविंग फॉर इट. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जो कि फुकेट ट्रैवल ब्लॉग आएगा. लव यू ऑल.